हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिली। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं राउडी होलकर चैनल से वाह बेटे मौज कर दी तग मीम्स एपिसोड 63। वाह क्या सीन है! लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑटोमेटिक हेयर कर्लर है? नहीं, तेरे घुंघरालू वाले क्या? गोविंद गोविंद घुंघरालू वाले क्या? तेरे घुंघरालू वाले क्या? तेरे कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे भी नहीं है मतलब क्या है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो माफ़ चुके वे वो हो நான் எழுதும் கடிதமே प्लास्टिक कार्ड हस्बैंड है। हाँ है ना, दिखाओ तेरी माँ। अच्छा कौन सी गाड़ी तेरे पास? जी वैगन। और क्या? जी वैगन और वैगन आर। बड़ी मस्तान शानी शानी मस्तानी। I'm not pulling anything, standing normally. I'm flat as fuck. It makes a difference. इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। अरे यार ये बीच रोड में पेड़ गिर गया, ये पेड़ कैसे हटेगा? अरे थैंक यू ब्रो, थैंक यू। वेट फॉर इट। हेलो भाई, मैं रवि राजेंद्र बोल रहा हूँ। मैंने रिसेंटली कुछ वीडियो डाला था तो बहुत ही वाहियात वीडियो था, तो मैंने उस चीज में हेलमेट नहीं पहना था। हेलमेट खाली हेलमेट तो गाइस, अभी मैं कुनाली को थोड़ी ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ, कैमरा पकड़ना और किस तरह से बोलना है, ताकि मैं जब घर में ना हूँ तो ये थोड़ा बहुत ब्लॉग बना सके, है ना कुनाली? ये आपको दे दूँ? परमानेंटली बनाओगे फिर इससे? पागल है क्या तू? लोगों की वीडियो बना के पैसे मांगेगा फिर उनसे? भाई बड़ा तेज बच्चा है। मैंने ऐसी डिवाइस बनाई है, आप दीवार के आसपास देख सकते हो। क्या बोलते हैं उसी? उसे खिड़की। राखी सावंत बिफोर शी वाज ब्यूटीफुल बिफोर। भाई कितनी पुरानी हीरोइन है। जो तेनु धूप लगी आवे तेरी चाव बन जावा, तेरी खुशियों की खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। आप हमें बता दें कि लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती हैं कि लड़के? देखें इस वक्त कैमरे के सामने एक लड़की भी मौजूद है, एक लड़का भी मौजूद है, ठीक है कि नहीं? पानी की बोतल ले आए, दोनों मुंह धो के दिखाते हैं, क्या कहती हैं? इस वक्त आपने मेकअप किया हुआ है कि नहीं? कह रहा हूँ ना, दोनों बैठे हुए कैमरे के आगे, पानी की बोतल ले आए, मुंह धोते हैं, पता चलता है कौन खूबसूरत है। हाँ ठीक है, बस इसके चेहरे पे मेकअप दिख रहा है क्या? सीरियसली ये रियल था यार, ये देखा हुआ लग रहा था। छिपकलियों से डर लगता है, क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को भी लगता है, कहीं पे भी तेरे को छिपकली दिखे ना तो दूर हो जा, और नहीं तो भाई मेरा वाला तरीका अपना ले, ब्लॉक कर दे छिपकली को। कौन कैसे ब्लॉक कर सकता है? ये शील्ड है अनब्रेकेबल, सही ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये टूट गई।
बेटा बड़ा खराब डेमो था तुम्हारा। सीधी बात, नो बकवास। ब्रश करके आया कीजिए। सॉरी ब्रश। You are chewing pan in the court? No, this is not. No. Then what? Bubble gum? No, it is vodka one. भाई तू कोर्ट में खड़ा है, इतना बूढ़ा एक्सपीरियंस्ड वकील है, इतनी सी अकल नहीं है। इडियट। भाई कोई क्रिकेट का बहुत ज्यादा फैन है। हद हो गई, क्रिकेट का इतना बड़ा फैन, इतना बड़ा फैन कि हाँ भाई। और सोचो ये सब चीजें ना बहुत छोटे बच्चों के लिए होती हैं, ये पहचान के लिए को कौन है, ये जीसस क्राइस्ट है, ये फिंगर है, ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी है तो इसीलिए तुम्हारा ब्रेन सेल्स काम नहीं कर रही है। वो पैसा है, डॉलर है, क्या है ना। और लॉयन को उसने CSK लिख रखा है, सेवन को थाला लिख रखा है। भाई इडियट, क्या बताऊं यार, क्या बताऊं अभी। मतलब बच्चों के अंदर भी ऐसा कीड़ा घुस चुका है ना। और ये कीड़ा मैं समझती हूँ यार, एंटरटेनमेंट पर्पस से अगर होता, क्रिकेट को एज अ एंटरटेनमेंट या एज अ स्पोर्ट्स वो लेते तब कोई दिक्कत नहीं थी, बट उनके दिमाग में चढ़ गया है, ठीक है। और वो ऐसे चढ़ा है मतलब सट्टेबाजी से, ठीक। आज कोई भी क्रिकेट का फैन, ठीक है, वो फैन हो चाहे ना हो, सट्टा जरूर लगाता है, बात जानता जरूर होगा क्रिकेट के बारे में, है ना। तो ये नशा है, ये मतलब एक एक्टिविटी नहीं है, ये आउटगोइंग एक्टिविटी नहीं है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये सिर्फ एक गंदा सा नशा है बस, और कुछ नहीं। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों से प्लीज दूर रखो, ओके, जब तक वो एक अच्छी मेच्योर एज तक ना हो जाए समझने लायक कि हाँ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है बस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।